फैमिली के लिए बेसिकली ये शो रखा है। फैमिली से ज़्यादा मैंने ये जो प्रीमियर रखा है ये माओं के लिए रखा है, मम्मियों के लिए रखा है। हमेशा रेड कारपेट पे आर्टिस्ट चलते, स्टार चलते, मैंने ये थॉट रखा है कि रेड कारपेट फॉर मदर्स ओनली। तो मैडम आप कुछ बताइए, आई लगा बोले से कुछ कहना है आपको, फिल्म रिलीज होने वाली है इनकी, आपने ट्रेलर देखा होगा सर, आपका कुछ अपने कुछ बोल, क्या बोले थे? मुझे ये नहीं मालूम कौन कौन आएगा, लेकिन आने वाले मराठी के सब स्टार्स आने वाले। हम उम्मीद है कि मतलब बाकी तो बॉलीवुड के सब स्टार आ चुके हैं हर प्रोग्राम में, ये महाराष्ट्र के मराठी के जितने सेलिब्रिटीज है सब आने की उम्मीद है यहाँ पे। थैंक यू। म्यूजिक बहुत अच्छा है, ट्रेलर बहुत अच्छा है। अब कल फिल्म आएगी और बहुत उम्मीद है कि जितने थिएटर्स हैं तो उससे कहीं ज़्यादा थिएटर्स में ओपन हो रही है। हाँ जी, बॉलीवुड में तो सब मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन फ्रेंडशिप डे के लिए सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आप लोग फ्रेंड्स हैं इसीलिए मैं फिल्म बना रहा हूँ। और प्लीज़ मेरे तरफ से आप ये मेरा बहुत सारा प्यार लीजिएगा। थैंक यू। ये जो फिल्म है पूरी माँ को रिलेटेड है, आपने दिया हमने देखा ट्रेलर, तो क्या सोचकर आपने ये बनाया कि माँ के ऊपर बनाया जाए, और अलग जो गणेश जी की भी मूर्ति है, हाँ, तो ऐसा क्या कॉन्सेप्ट था, कुछ अलग कॉन्सेप्ट ये? ये फिल्म जो है इसमें बेसिकली टाइटल भिखारी है, लेकिन इसके ऊपर एक टैगलाइन है कि स्वामी तीनी जगह से आई बिना भिखारी। तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन के नीचे का पानी, ज़मीन आसमान, इसका बड़ा सा बड़ा राजा हो जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, नाम शोहरत हो, लेकिन माँ नहीं है, तो माँ बिना भिखारी, इसका मतलब ये होता है। और बहुत टाइम देखा मैंने फिल्म, आप देखते हो कि कंटेंट कुछ और होता है, लेकिन बहुत सालों के बाद ऐसा एक कंटेंट आया है जिसमें एक करोड़पति पैसा वाला लड़का माँ के लिए भिखारी बनता है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कहानी, इसलिए मैंने।